आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर प्रूफिंग का। आज हम एक साइट विजिट पे आए हुए हैं। यहाँ पे हम रूफ़ इंसुलेशन के लिए वाटर प्रूफिंग का प्रोसीजर कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले स्लैब की सफाई करवाई है प्रॉपर। उसके बाद स्लैब की सफाई करवाने के बाद फिर हमने इसको वाश किया। वाश करने के 12 घंटे के बाद हमने इस पर एक कैम्फ्लेक्स केमिकल है कोटिंग की है, उसके साथ एक लिक्विड है और एक पाउडर है। 5 kg लिक्विड है और 15 kg उसमें पाउडर है। उन दोनों को हमने मिक्सअप करके और निमर केमिकल्स हैं उनका ये लिक्विड है वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जैसा कि कैमरामैन आपको दिखाते हैं कि ये हमारे वर्कर्स केमिकल कोटिंग कर रहे हैं और इसको एक्स और वाई एक्सिस डबल एक्सिस में इसको कोट किया जा रहा है। मीन्स ये कि इसके डबल कोट हो रहा है इसको प्रॉपर मिक्स करके। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ केमिकल इसमें जो हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं। जी तो व्यूअर्स, इसमें अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये कैम्फ्लेक्स लिक्विड है, इसका जो क्वांटिटी है 5 kg है। उसके बाद ये हमारा बैग है, इसकी क्वांटिटी 15 kg है। ये निमर केमिकल्स लिमिटेड का लिक्विड है और ये वाटर प्रूफिंग के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसका ये फ़ायदा है कि जो वाटर प्रूफिंग के लिए हम लोग पहले बिचुमेन यूज़ करते थे, बिचुमेन को गर्म करना और हीट करना, और वो एक काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता था। लेकिन अभी वो सारे मामलात ख़त्म हो गए हैं। अभी जो आजकल के टाइम में ये कैम्फ्लेक्स कोटिंग है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार और पायदार आ रहा है और ये प्रॉपर सिक्योर है वाटर प्रूफिंग के लिहाज से और रूफ़ इंसुलेशन के लिए तो बेस्ट आइटम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक्स और वाई एक्सिस में डबल कोट किया जा रहा है और इसको ब्रश के साथ कोटिंग की जा रही है। इसमें हमने पानी यूज़ नहीं करना। इसका जो 5 लीटर लिक्विड है और 15 kg का जो पाउडर है उसको मिक्सअप करके उसका एक लिक्विड बना के उसको ब्रश के साथ हमने कोट करना है। तो अब इसको लगाने का जो प्रोसीजर है, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने 10x10 का एक एरिया ले लेना है और इस एक जो पैक है उससे जो कवर्ड एरिया बन रहा है वो 100 square feet में आपका एक पैक यूज़ होना चाहिए। उसका एक्स और वाई एक्सिस में मींस ये कि डबल कोट होना चाहिए, तो इससे ये आपका एरिया कवर होगा और ये वाटर प्रूफिंग के लिए बेस्ट मेथड है। इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर करना था कि जब भी आप घर बनाएं उसकी रूफ़ इंसुलेशन और जो उसका वाटर प्रूफिंग है उसके लिए इसको आपको अच्छे तरीके से करवाना चाहिए ताकि जो आपका कीमती असासा है वो महफूज हो सके। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो क्लोज़ करते हैं और अगर पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।